ठीक है, आपने इंसर्ट कैप्शन आ गया समझ में, है ना। अब अपन चलते हैं, अपना जो फर्स्ट पेज अपन ने क्या किया, क्लिक करके एंटर कर दिया कंट्रोल के साथ एंटर, तो आगे का जो मैटर है वो अगले पेज पर पहुंच गया। अब हमारा फर्स्ट पेज खाली है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में लिंक्स ऑप्शन में क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारे पास टेबल है, टेबल्स के नाम आ रहे हैं, यहाँ से हम टेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इंटायर कैप्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल नंबर वन हमें पहले चाहिए, टेबल नंबर वन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अगर टेबल टू पहले चाहिए तो टेबल टू पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। हमें वन ही चाहिए पहले, इसलिए हम वन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। आ गई, अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आप चाहें तो एक साथ ले सकते हैं पूरी, फिर बाद में एंटर कर सकते हैं। हम टेबल फोर भी ले लेते हैं, इंसर्ट। ठीक है, हमारे पास टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री आ गई है। हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसको भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आ गए, अब वही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे टेबल वन पर पहुंचा देगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे टेबल टू पर पहुंचा देगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे अपन पढ़ेंगे रेफरेंस टैब में, इसमें और ऑप्शंस हैं पूरे, मतलब क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन मिलेंगे अपन को रेफरेंस टैब में। तो आगे जो ऑप्शन, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, वो सभी अपन क्रॉस रेफरेंस रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे, क्रॉस रेफरेंस वाले। तो इतना समझ में आ गया क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है। ये इस तरह से अपने ये टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करने का काम करता है, आपके लिए इंडेक्स बनाने का काम करता है। लेकिन ये चीज कब अप्लाई होगी, अगर आपने इसको पीडीएफ में कर दिया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपने इसको प्रिंट आउट निकाल दिया, प्रिंट आउट में सिर्फ देख सकते हो, यहाँ पर आगे पेज नंबर भी आ जाते हैं अपन रेफरेंस से करेंगे तो, कि किस पेज नंबर पे कौन सी टेबल है, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट में निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप एमएस वर्ड के अंदर ही हो तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे जिसके भी ऊपर उस टेबल पर वो पहुंचा देगा। अब ये तो क्या, हमारे पास सिर्फ टेबल है, हो सकता है आपके पास टेक्स्ट भी हो और टेबल भी हो, तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे, टेबल बनाते जाओगे, तो वहां पर उसको टेबल को नाम देते जाओगे, वो यहाँ पर लेता जाएगा, और जैसे आपका काम खत्म होगा आप फर्स्ट पेज पर आओगे और इस तरह से आप इंडेक्स तैयार कर सकते हो। आ गया समझ में, कर लेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है कमेंट। नॉर्मली सभी को पता है कमेंट का मतलब क्या होता है, बताइए कमेंट का मतलब क्या होता है। हाँ ठीक है, आपको जैसे कि कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे नहीं रखना चाहते, लेकिन आप अलग से मतलब कुछ उसमें लिख कर रखना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, जहां भी आपका क्लिक है उस जगह पर क्लिक करोगे। ठीक है, जहां पर भी आपको कमेंट रखना है उस जगह पर क्लिक करेंगे, कमेंट ऑप्शन में जाएंगे, कमेंट पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से जिस भी ऑप्शन पर क्लिक था वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दे देगा। हम इसके इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते लिख सकते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा कमेंट चाहिए, मतलब इसके कमेंट के अंदर कोई कमेंट ऐड करनी है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितनी चाहे आप एक ही कमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर और किसी पर देनी है तो उस पर क्लिक करो, कमेंट पर क्लिक कर दो, ये दूसरी कमेंट आ गई। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसके बाद अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है मार्क कमेंट डन, इस पर क्लिक कर देंगे क्या होगा, हमने कमेंट कंप्लीट कर लिया, अब हमें इसमें कुछ नहीं लिखना। अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे, आप और कुछ जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करोगे डिलीट कमेंट से क्या होगा, कमेंट डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि आपने एक कमेंट ली, इसके अंदर आपने एक और कमेंट ले ली, अब आप इसके अंदर एक और कमेंट लेना चाहते हैं, कमेंट के अंदर कमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा YouTube पर या कहीं पर भी आप रिप्लाई करते हो कमेंट में, तो वहां पर रिप्लाई का ऑप्शन देता है, तो इनको भी आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेन कमेंट डिलीट कर दोगे तो क्या होगा, सभी कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल पी करोगे जब आप प्रिंट में, ये दिखाई देगा, मतलब ये तो नहीं आएगा प्रिंट में, लेकिन ये जो लाइन है वो आएगी, आप चाहते हो ये शो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप जाओगे यहाँ से व्यू टैब में। ठीक है, रिव्यू टैब में, ठीक है, रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर शो कमेंट वाला ऑप्शन आएगा, इस पर से आप क्लिक हटा देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये कमेंट फिर नहीं दिखेगी, इसमें ये हाईलाइट नहीं हो रहा,
पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, वहां भी नहीं हो रहा, आप नीचे करके देखना किसमें जाएंगे आप, रिव्यू टैब में, यहाँ से आप कमेंट शो कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो जो भी कमेंट शो हो रही होगी वो हाई हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी दिए हुए हैं ये ऑप्शन, ये डिलीट वाला दिया है, ओनली एक कमेंट डिलीट करनी है तो डिलीट कमेंट करो, सभी एक साथ करनी है तो डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दो। न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नई कमेंट खुल जाएगी, और प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो पिछली कमेंट पर जा सकते हैं, नेक्स्ट पर करेंगे तो अगली कमेंट पर आ सकते हैं, कर लेंगे आप। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन हैडर एंड फुटर, अपन पहले इसको कमेंट को राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला ऑप्शन हैडर एंड फुटर, हैडर एंड फुटर का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि एक पेज पर दे सभी पेजेस पर आ जाए, तो उसके लिए आप यूज करते हैं हेडर ऑप्शन का, ठीक है। तो जैसे कि हेडर पर हमने क्लिक किया, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन देगा कि आपको किस तरह का हेडर चाहिए, सिर्फ एक जगह पर लिखना है, तीन जगह पर लिखना है, या फिर इस तरह से लिखना है, मतलब आपको इस तरह से दे रहा है, तो जो भी आपको लेनी है, मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया, आ गया टाइप। यार आपने देखा होगा कभी, आप कभी कभी इस तरह से नीचे क्लिक करते हैं टाइप नहीं होता, ऊपर टाइप होने लगता है, तो वो क्या रहता है, हेडर ही रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेडर में हम हमारी संस्था का नाम लिखना चाहते हैं ताकि वो हर जगह पर वो ही आए, ठीक है। अब आप चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, जैसे अपन होम में नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, आप उस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सिलेक्ट करेंगे सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको फर्स्ट पेज पर दे दिया है, आप देखेंगे जब भी आप हेडर है या फुटर लेते हैं तो यहाँ पर डिजाइन टैब खुल जाता है, जैसे अपन पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाता है, इसी तरह से। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम नीचे, अगर आपको मेन डॉक्यूमेंट में आना है तो आप क्या करेंगे, नीचे आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्या करो कि डबल क्लिक, या फिर आप यहाँ से क्लोज कर दो, या फिर आप नीचे डबल क्लिक करो तो आप नीचे आपके डॉक्यूमेंट में जाते हो। यहाँ पर डबल क्लिक करोगे आप हेडर में पहुंच जाओगे, नीचे डबल क्लिक करोगे आप अपने डॉक्यूमेंट में जाओगे। अगर आप हेडर में हो, ये डिजाइन टैब आ रहा है, आप यहाँ से क्लोज कर दोगे तो भी आप मेन डॉक्यूमेंट में पहुंच जाओगे। अब हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो आप देख रहे हैं कि आपने सिर्फ एक पेज पर दिया था, सभी पेजेस पर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप हेडर दे सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं, डिजाइन टैब आ गया, इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, फुटर, या तो आप यहाँ से क्लिक करो या फिर डिजाइन पे ही यहाँ पर फुटर पर क्लिक कर दो कि किस टाइप का फुटर चाहिए। मान लो हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर टाइप है तीन जगह आ रहा है, तो आप यहाँ पर अलग अलग चीजें लिख सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर पीसी लिखा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमने फर्स्ट में दे दिया है पेज में, हम देखिए सभी पेजेस में आएगा फोटो भी आ रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप डबल क्लिक करिए, इसमें अपन डिजाइन टैब में है, यहाँ पर ऑप्शन देगा गो टू फुटर, अगर आपको फुटर पर जाना है, फुटर क्या होता है नीचे, और हेडर क्या होता है ऊपर, गो टू फुटर पर क्लिक करेंगे तो आप फुटर में आ जाएंगे, गो टू हेडर पर क्लिक करेंगे तो आप हेडर में आ जाएंगे, ठीक है। आया इतना समझ में। इसके अलावा जैसे कि आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से तीन वाला फॉर्मेट लोगे तो तीन जगह लिख सकते हो, दो वाला लोगे तो दो जगह लिख सकते हो, आपको यहाँ पर अलग लिखना है और यहाँ पर अलग लिखना है, तो आप यहाँ पर तो लिख चुके हो, टैब की दबाओ आगे जाने के लिए, यहाँ पर आप और कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, हम देखेंगे सभी पेजेस पर आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप ऊपर दोगे फर्स्ट पेज पर, सभी पेजेस पर आएगा, ठीक है। हेडर में दोगे तो हेडर में आएगा, फुटर में दोगे तो फुटर में आएगा, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद इसमें आगे और ऑप्शंस होते हैं, पेज नंबर वाला अगली क्लास में बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी टेक्स्ट है उसकी जगह पर डेट या टाइम आना चाहिए, या फिर यहाँ पर डेट या टाइम आना चाहिए, जरूरी नहीं टेक्स्ट ही हो, इस